नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आज बिहार चुनाव की बात होगी। बिहार चुनाव की उस पार्टी की बात होगी जो काफी चर्चा में है। जी हाँ, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ऐसा मत है बिहार की जनता का। हमारे साथ प्रबल भारत पार्टी के श्री प्रशांत कुमार हमारे साथ है। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार। नमस्कार योगराज शर्मा जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रबल भारत पार्टी का एजेंडा क्या है, किस मकसद को लेकर प्रबल पार्टी का गठन हुआ। देखिए, देश की राजनीति में जो पिछले 30-40 सालों में हमारी राजनीति रही है, उस राजनीति में साधारण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए राजनीति में अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और उसका नुकसान यह हुआ है कि जो आम जनता के लोग हैं, जिनको सच में चुन करके आना चाहिए, जिन्होंने जनता का दुख दर्द झेला है, उन लोगों को चूंकि ये राजनीतिक पार्टियां मौका नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए हैं। और इसकी वजह से समाज का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने से भी पीछे रह गया है। प्रबल भारत पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना, नौजवानों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना और नौजवानों को राजनीति में ला करके उनको प्रेरित करना कि वो राजनीति को भी अपना एक सेवा के माध्यम से एक करियर ऑप्शन चुने और अपने प्रदेश का और देश का भला करें। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा मकसद है और आप इसमें कामयाब हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बात करें राजनीति और बिहार के भूगोल की, करीब 243 सीटें हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, क्या मुख्य एजेंडे होंगे, क्या आपके वायदे हैं, किन बातों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? सबसे पहले मैं सीटों की बात कर दूं, प्रबल भारत पार्टी बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम 2-4 या 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मजबूत चुनाव लड़ेंगे। अब अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो बिहार की राजनीति में मुद्दों की कमी नहीं है पिछले 40 सालों से, और मैं कहूंगा कि आज़ादी के बाद से ही बिहार का जो पिछड़ापन है उसमें यहां के राजनीतिक दलों का और नेताओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहां बिहार के लोगों को, बिहार को पिछड़ा रखने में, बिहार की अगर आप बात करें तो यहां पे जहां भी आप देखेंगे वहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। कोई भी एक ऐसा क्षेत्र आपको नहीं दिखेगा जहां की कुछ लगता हो कि नहीं, यहां पे स्थितियां दूसरे राज्यों के अपेक्षा में यहाँ पे कुछ स्थितियाँ ठीक हैं। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, पलायन की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, सड़कों की बात कर लीजिए, बाढ़ से जो तबाही होती है उसकी बात कर लीजिए, आपके स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आप किसी भी मुद्दे को, जो कि चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए और जनता के लिए जो मुद्दे होते हैं उसमें से किसी भी एक मुद्दे को आप पकड़ लीजिए, बिहार के चुनावों में कोई भी ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो कि रह गया हो। यहाँ चौतरफा काम करने की जरूरत है और काम यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। अब अगर आप मुझे से स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या प्रयास होगा, उसको कैसे ठीक करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे ठीक करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे कि मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास बिहार में हुआ नहीं, अलग अलग पार्टियां आती रही जाती रही, शहरों की हालत खराब है, बाढ़ का निरंतर प्रकोप चलता रहा है और ग्रामीण इलाकों की हालत को कहने के लायक ही नहीं। लोग पलायन करके वापस गए थे, रोजगार यहाँ से छोड़कर दिल्ली और महानगरों से, वहां जाकर क्या स्थिति हुई है, पूरी ओवरऑल अगर बिहार की हालत कहें तो आप क्या मानते हैं? बिहार की हालत बहुत ही दयनीय है, स्थितियां एकदम खराब हैं और खराब भी नहीं, स्थितियों का बिल्कुल नगण नहीं कहिए, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसकी एक मुख्य वजह रही है यहाँ की राजनीति। अब बिहार को बहुत जल्द ही एक नई दिशा देने की जरूरत है ताकि यहाँ कुछ भला हो सके और यहाँ की राजनीति को पूरी तरीके से मोड़ करके और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके हाथों से सत्ता छीन करके नौजवानों के हाथ में, पढ़े लिखे नौजवानों के हाथ में सत्ता सौंपने की जरूरत है। नौजवान जब आगे आएगा उसके सामने नए आइडियाज होंगे, नया काम करने का एक जुनून होगा और उससे बिहार की स्थितियों में कुछ हद तक सुधार आएगा, धीरे धीरे स्थितियां तभी बदलेंगी। बात की जाए सत्तारूढ़ पार्टी की, कितनी सफल रही कितनी असफल रही अपने शासन काल में? सत्तारूढ़ पार्टियां पिछले, मैं कहूंगा कि मैं 30 सालों की बात नहीं करता हूं, मैं 30 सालों की बात करता हूं तो कई लोग उसको नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल के 15-15 वर्षों के शासन से जोड़ देते हैं, लेकिन मैं आजादी के बाद से ही बात करता हूं कि जितनी भी सरकारें बिहार में रही हैं किसी भी सरकार ने बिहार के साथ न्याय नहीं किया है।
आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें बिहार में रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, पिछले 15 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड का भी शासन है, और ये सब लोग बिहार को गति देने में, बिहार की समस्याओं को ठीक करने में असफल रहे हैं। और इन लोगों ने, ये लोग निकम्मे लोग हैं, नकारे लोग हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के प्रति किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है, और नतीजतन बिहार को एक मजदूरों की निर्यात फैक्ट्री केवल बना करके रख दिया है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अगर अपने हद तक और कुछ हद तक अगर प्रयास करते तो बिहार की अभी की जो स्थिति है 2020 में, उस तरह की स्थितियां नहीं हो सकती थी। कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में तो हमारी स्थितियां ठीक हो ही सकती थी। हमारे यहाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ बड़े बड़े रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिहार में उस तरह की अनुकूल स्थितियां नहीं थी, लेकिन जो हमारे पास साधन जो उपलब्ध थे, उन साधनों को भी उपयोग करने में यहाँ की सरकारें फेल रही हैं। टूरिज्म हमारे यहाँ बहुत बड़े उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकता था। हम लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करके, उनको प्रोत्साहित करके, हम यहाँ पे गाँव में लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते थे, जिससे कि काफी हद तक यहाँ से होने वाला मजदूरों का पलायन रुकता और यहीं पे लोग अपने लिए रोजी रोटी का इंतजाम करते। लेकिन बिहार की सरकारों ने जानबूझ करके, और कई बार तो ये लगता है कि सोची समझी साजिश के तरह, यहाँ पे स्थितियां और खराब होने दी हैं, और लोगों को जबरदस्ती उकसाया है कि तुम्हारे लिए बिहार में कुछ जगह नहीं है, तुम जाकर के दिल्ली, मुंबई, पंजाब और देश के दूसरे राज्यों में जाकर के करो। आप इस बात से समझिए कि जो बिहार कभी ज्ञान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, बिहार की एक प्रतिष्ठा हुआ करती थी कि बिहार ज्ञान की भूमि है, यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए एक अलग तरह का माहौल हुआ करता था। देश में चाहे किसी भी तरह के IIT में जाने वाले बच्चे हो, IAS PCS में सिलेक्शन कराने वाले बच्चे हो, लेकिन उस बिहार की अब शिक्षा की स्थिति में यह है कि बिहार से केवल रोजी रोजगार के लिए पलायन नहीं होता है, बिहार से बड़ी मात्रा में पलायन होता है शिक्षा के लिए भी। हमारे यहाँ बिहार के बच्चे लोग कोटा में जाकर के, दिल्ली में जाकर के लोग IIT, मेडिकल, CS, CS, IAS, PCS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लोग यहाँ से जाते हैं, और बहुत सारा धन जो कि बिहार में कमाया हुआ है, उस धन को जाकर के बिहार से बाहर खर्च करते हैं। तो जो बिहार हमारा शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में पूरी दुनिया में जाना जाता था, उस बिहार की शिक्षा की स्थिति है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चे शिक्षा अर्जित नहीं करना चाहते हैं और दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं। मैनेजमेंट की डिग्री लेने के लिए बच्चे बैंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, ग्रेटर नोएडा के छोटे छोटे कॉलेजों में लोग जाकर के मैनेजमेंट की डिग्री लेते हैं। वही अगर प्राइवेट कॉलेज था, बिहार में जमीनों की कमी नहीं, यहाँ भी खुल सकता था। लेकिन सरकारें फेल नहीं है, इन सरकारों ने कुछ नहीं किया है, निकम्मे लोग हैं, नकारा लोग हैं, इन्होंने केवल एक दूसरे पे दोषारोपण किया है। और आज इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग कर क्या रहे हैं? यहाँ की अभी की जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं और सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, केवल एक दूसरे को इसके 5 विधायक को तोड़ करके अपने पास में लाना है, फलाने जाति के 5 आदमी को मिला करके ताकि उस जाति का वोट बैंक बन जाए, इस चक्कर में लगे हुए हैं। आज बिहार की बात कोई नहीं करता है, बिहार की समस्याओं का समाधान कैसे होगा उसकी बात कोई नहीं करता है, यहाँ के युवाओं को रोजी रोटी कैसे मिलेगी उसकी बात कोई नहीं करता है। जाति की बात करने वाले हजारों लोग मिलते हैं, सभी पार्टियों में मिलते हैं, और सब लोग अभी भी यही कर रहे हैं। इस दुर्दशा के बाद भी लोग संभले नहीं हैं, और आज भी लोग नहीं संभले हैं, और आज भी जो यहाँ के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वह इसी बातों में लगे हुए हैं, आपस में ही लोग लगे हुए हैं। इन सब से युवाओं को आगे आकर के सोचना पड़ेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पूरा देश नजर रखता है बिहार पर। जब चुनाव का समय आता है, नेताओं की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, गरीबों का भला कर देंगे, विकास कर देंगे, बिहार को दिल्ली जैसा बना देंगे, सड़कें चकाचक बना देंगे। चुनाव खत्म होते ही क्या हो जाता है, स्थितियां एकदम बदल जाती है, वही पुराना बिहार अगले चुनाव में फिर खड़ा होता है। प्रबल भारत पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है, न तो प्रशांत कुमार उस तरह के आदमी है कि चुनाव की के समय में हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे। मैं एक ठोस रोडमैप के साथ बिहार में आया हूँ। मेरे पास बिहार को, यहाँ की समस्याओं को ठीक करने का, यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोजगार का इंतजाम करने का, वह भी बिहार में ही, यहाँ के किसानों की समस्याओं को ठीक करने का, शिक्षा को ठीक करने का, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने का, हमारे पास एक ठोस प्लान है, एक विजन है। और मैं जब बिहार की जनता के सामने आया हूँ तो मैं एक ब्लूप्रिंट के साथ आऊंगा, और वह केवल चुनावी वादा नहीं होगा,
हम लोग उस चुनावी वादा को पूरा करने में हमें किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास वो संसाधन कहाँ से आएगा। मतलब कि आसान शब्दों में कि अगर मैंने कोई चुनावी वादा किया तो उस चुनावी वादा को पूरा करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा हमारे यहाँ कहाँ से आएगा। तो मैं उस पूरे एक विजन डॉक्यूमेंट को बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा और निर्णय मैं बिहार की जनता पे छोड़ दूंगा। मैं कुछ एक क्षेत्रों का वही कहना चाह रहा था, उदाहरण देना चाहूंगा, जहाँ की लोगों ने अगर काम किया होता तो बिहार। विजन आपका तैयार है, रोड मैप आपने तैयार किया है, संसाधन आपके लगभग तय है, टीम की बात की जाए तो किस तरह की टीम आप उतारने वाले हैं बिहार चुनाव? देखिए, हम लोगों ने बिहार में नौजवानों को जोड़ा है, पूरे बिहार से लाखों नौजवान प्रबल भारत पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमने नौजवानों को बड़ी मात्रा में टिकट देख करके उनको उम्मीदवार भी बनाया है, हमने साधारण और गरीब लोगों को उम्मीदवार बनाया है। अभी तक मैंने करीब 40 से 45 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और उसमें हमने एक भी 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, एक भी अमीर आदमी को, जिसको आप मतलब तकनीकी शब्दों में करोड़पति कह सकते हैं, उसको हमने उम्मीदवार नहीं बनाया है। हमने साधारण लोगों को और नीचे तबके से आने वाले लोगों को मौका दिया है, नौजवानों को मौका दिया है और वही टीम हमारी काम कर रही है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में और पूरे बिहार में, और यही टीम बिहार में बहुमत हासिल करेगी। बिल्कुल ठीक है, टीम आपकी। पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया है, अपराधियों को हाथ नहीं लगाया है, एक भी अपराधी को न तो अब तक टिकट दिया है, न तो आगे एक भी अपराधी को टिकट देंगे। जिसके ऊपर एक 107 का भी मुकदमा होगा उसको प्रबल भारत पार्टी की सदस्यता तक नहीं देंगे, टिकट देने की बात को दूर की बात। बहुत अच्छी बात है, आपने अपराध मुक्त जो है एक तैयारी की है, अपराधियों से मुक्त एक पार्टी बनाई है, ये आपका बहुत अच्छा विजन है। बात की जाए महिलाओं की भागीदारी कैसी है? महिलाओं की, मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाएं हमारे समाज की एक अभिन्न अंग है, महिलाएं हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा, सामाजिक उत्थान नहीं होगा, समाज में जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक किसी भी एक सभ्य समाज और अच्छे समाज और विकसित समाज की कल्पना करना बेमानी है। प्रबल भारत पार्टी में हम लोगों ने महिलाओं को जोड़ने में जोर दिया है और महिलाओं को हम आपकी आवाज कट 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 जी, हाँ आप जारी रखें। हाँ, महिलाओं का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है और बिना महिलाओं की तरक्की के, बिना महिलाओं के का सामाजिक और आर्थिक उत्थान किए हुए किसी भी सभ्य समाज और किसी भी विकसित समाज की कल्पना करना मुश्किल है। प्रबल भारत पार्टी ने इस बात को समझते हुए महिलाओं को अपनी पार्टी में विशेष स्थान दिया है। हमारे पार्टी में करीब करीब 3-4 प्रदेश स्तर की पदाधिकारी महिलाएं हैं और पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं को हमने मौका दिया है। महिलाओं को हम बड़ी संख्या में प्रबल भारत पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी बनाएंगे। मेरी व्यक्तिगत यह सोच है कि अगर मुझे महिला उम्मीदवार अगर मिलती है तो मैं 50% उम्मीदवारों को महिलाओं को 50% सीटों से मैं महिलाओं को उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए 50% महिलाओं का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं, अगर मुझे महिलाएं अगर उम्मीदवार मिलेंगी तो मैं 243 में से कम 120 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाऊंगा। अगर नहीं भी मिलती है तो भी कम से कम 40-45 सीटों पर तो महिलाओं को उम्मीदवार बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बिहार में जो समस्याएं हैं वो सब आप समस्याएं जानते हैं, उनकी जड़ कहाँ है, शहर की बात हो या ग्रामीण इलाकों की, उन समस्याओं के हल के लिए कौन सी एक तो बड़ी समस्याएं हैं और कौन जिम्मेदार है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है रोजी रोज, हाँ, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बड़े पैमाने पे कृषि पे, पशुपालन पे और छोटे छोटे उद्योग धंधों पे निर्भर करती थी, जो कि ग्रामीण उद्योग धंधे की आप बात कर देते हैं। बिहार की समस्याओं का निदान टाटा जैसी फैक्ट्रियों की आ जाने से नहीं होना है, बिहार की समस्याओं का निदान वहां से होना है जब हमारे गांव में रहने वाले कोई लोहार जाति के लोग, जो कि खुरपी, कुदाल, हसुआ, कुल्हाड़ी इत्यादि इस तरह का जो खेती का उपकरण बनाते हैं, अपने गाँव में बनाते हैं, अपने चौक चौराहों पर बनाते हैं, जब उसको प्रोत्साहित करेंगे। बिहार की समस्याओं का निदान टाटा का बर्तन लेने से नहीं होना है और टाटा के यहाँ आकर के बिहार में बड़ा बड़ा बर्तन और स्टील वगैरह बनाने से नहीं होना है। बिहार की समस्याओं का निदान होना है जब हमारे गांव में बसने वाले कुम्हार को हम मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, उसके लिए बाजार उपलब्ध कराएं और उसको हम एक पूंजी मुहैया कराएं कि तुम अपने यहाँ पे इस तरह का काम करो और लोगों को जो है सो 2-4-5 लोगों को भले ही गाँव के स्तर पर, छोटे स्तर पर ही तुम इसको फलीभूत करो और इसको अच्छे से काम करके 2-4 लोगों के लिए रोजी रोजगार का इंतजाम करो।
बिहार की समस्याओं का निदान पशुपालन में है। आज भी बिहार में बड़े पैमाने पर लोग पशुपालन करते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी पशुपालन पर टिकी हुई है। आप जब जाएंगे सीमांचल के क्षेत्रों में, उसके बाद पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में, बांका भागलपुर में, दक्षिण बिहार में जाएंगे, उत्तरी बिहार में जाएंगे, तो आपको कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा गाँव में जहाँ एक आदमी के पास दो या तीन चार दुधारू पशु या फिर दूसरे टाइप के पशु नहीं है, जिन्होंने पाला नहीं हुआ है। हमें उन लोगों को प्रोत्साहित करके, जिन लोगों ने एक या दो या चार तरह का पशु पाला, किसी के पास एक या दो गायें हैं, किसी के पास दो तीन भैंसे हैं, किसी के पास दो चार बकरियां हैं, हमें उन लोगों को प्रोत्साहित कर करके, उन लोगों को पूंजी उपलब्ध करा करके, उनको सामाजिक सुरक्षा दे करके, उनके पशुओं के लिए, उनके दूध के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध करा करके, हमको उनके लिए एक नए तरह का बाजार डेवलप करने की जरूरत है, ताकि जो आदमी दो गाय पास पोलता है, पास्ता पोलता पास्ता है, उसको 10 गाय पालने की क्षमता हो जाए। जो आदमी 10-5 भैंस पालता है, उसके पास 100-150 भैंसे हो जाएं। जो आदमी 2-4 बकरियां पालता है, उसके पास 200-400 बकरियों का इंजाम कर दें। तो बिहार की समस्याओं का समाधान यहाँ पे है। हम लाख कोशिश कर ले, हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को अभी अपने यहाँ बिहार लाने में असफल ही होंगे, और बड़े उद्योगों के आने में समय भी लगता है। बड़ा उद्योग अगर कोई आएगा तो उसको जमीन चाहिए, उसको प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, इसमें कम से कम 10-15 साल का वक्त लगता है, लंबा समय लगता है। तो तब तक बिहार के लोगों का क्या होगा, तब तक हम लोग बाहर ही जाते रहेंगे। हमें यहाँ की जो क्षमता है, यहाँ की जो खूबियां हैं, उन खूबियों को पहचान करके हमें उस दिशा में काम करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करके और सेल्फ डिपेंडेंट कर दे, ताकि वहां से फिर विकास शहरों की तरफ जाए। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, हमारे पास संसाधन है, अच्छे लोग मौजूद है, मेहनती लोग हैं, लेकिन विदेशी या बाहर का निवेश तब तक नहीं आ सकता जब तक अपराध पर अंकुश ना हो। अपराध की स्थिति कैसी बनते हैं बिहार? बिहार में अपराध की स्थिति बहुत ही, अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति का पूछिए नहीं। बिहार में हालत यह है कि अगर आप छोटे छोटे चौक चौराहों पे अगर आप कोई व्यापार करते हैं और उस व्यापार में अगर आपका काम धाम अगर चल गया, तो ये निश्चित बात है कि आपको लोकल स्तर पे या जिले स्तर पे 2-4 अपराधियों का फोन आ जाएगा और आपको हफ्ता वसूली, जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, वैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में हैं, और वहां आपको हर महीने कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे उनकी बात, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपकी हत्या की कोशिश होगी। इन स्थितियों की वजह से बिहार का बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा, बिहार में रोजगार कैसे पैदा होगा, वह रोजगार कैसे सुरक्षा के साथ डायरेक्ट लिंक कैसे है। बिहार लगभग सभी धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल बन सकता है। रिलीजियस टूरिज्म के लिए बिहार से बड़ा दुनिया में कोई जगह नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है। हम मक्का बन सकते हैं, हम इजराइल बन सकते हैं, हम बहुत कुछ बन सकते हैं। आप देखिए कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, पूरा का पूरा चाइना बौद्ध धर्म को मानता है, थाईलैंड पूरा बौद्ध धर्म को मानता है, जापान जैसे अमीर देश बौद्ध धर्म को मानते हैं, म्यांमार जैसे देश भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। दुनिया में करीब करीब 1 अरब की आबादी है जो कि बौद्ध धर्म की अनुयायी है, और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए बिहार के बोधगया में स्थित जो तीर्थस्थल है, उससे बड़ा पूरी दुनिया में कोई तीर्थस्थान नहीं है। बिहार की सरकारों ने अगर काम किया होता तो हम पूरी दुनिया से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपने यहाँ बुला सकते थे, वो हमारे यहाँ आते, डॉलर खर्च करते, येन खर्च करते, चीनी युवान खर्च करते, और हमारे युवाओं को रोजगार मिलता, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बढ़ता, हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री बढ़ती, हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो जो विदेशी टूरिस्ट है उनके लिए एक माहौल नहीं बनता है, और माहौल नहीं बनता है तो जगह तो प्रसिद्ध है, बोधगया तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, अभी भी लोग आते हैं, लेकिन अभी जो लोग आते हैं हजारों की संख्या में आते हैं, हम उन हजारों की संख्या को बढ़ा करके करोड़ों की संख्या कर सकते थे, लेकिन हमारी सरकारों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जैन धर्म के मानने वालों के लिए वैशाली से बड़ा कोई तीर्थस्थल नहीं है पूरी दुनिया में। हमारे देश में करीब जो है 5-7 करोड़ लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, उनको हम नहीं बुला पाते अपने यहाँ। सिख धर्म के मानने वालों के लिए पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पटना साहिब से बड़ा एक तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में करतारपुर साहिब है, वह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, क्योंकि सिखों के पहले धर्म गुरु गुरु नानक देव जी का वहां पर जन्म हुआ था, और अंतिम धर्म गुरु का गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, तो उनसे बड़ा कोई तीर्थस्थल नहीं है। और हमारे यहाँ पंजाब से लोग हजारों की संख्या में आते हैं, कनाडा से लोग नहीं आते हैं, बाकी देशों से लोग नहीं आते हैं। अगर हमने अपने यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक की होती, हमारे यहाँ ऐसा माहौल होता,
कि रात को 2 बजे में भी कोई विदेशी महिला, कोई विदेशी पर्यटक या कोई देशी पर्यटक ही रात को 2 बजे में ही पटना की सड़कों पे खुलेआम घूम सकता, वैशाली की सड़कों पे खुलेआम घूम सकता, सीतामढ़ी की सड़कों पे माता जानकी के दर्शन के लिए आया हुआ कोई धार्मिक आदमी, कोई टूरिस्ट यहाँ पे खुलेआम घूम सकता, बेखौफ घूम सकता। तो ऐसे आने वाले लोगों का हमारे यहाँ जमावड़ा बढ़ जाता। हमारे यहाँ नए नए होटल खुलते, 5-स्टार होटल खुलते, 3-स्टार होटल खुलते, करोड़ों लोग को रोजगार मिलता, लेकिन हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन है सुरक्षा के साथ। प्रबल भारत पार्टी की जब सरकार आएगी तो हम जो प्रशासनिक ढांचा है इसको हम पूरी तरीके से बदलेंगे। हम थानों को खत्म कर देंगे, थाना में जो इंस्पेक्टर राज चलता है और पुलिस थाना का जो सिस्टम, उस थाना को हम बदल करके बिल्कुल नया सिस्टम लाएंगे और बिल्कुल नया प्रशासनिक ढांचा लाएंगे। अफसरशाही को हम कंट्रोल करेंगे और लोगों की दायित्व को तय करेंगे। अगर आपके इलाके में, आपको एक छोटा सा इलाका दिया गया है, आपके इलाके में अगर छोटी से छोटी भी घटनाएं होती हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं, आपको जाना होगा। आप जाएंगे तो योग्य लोग आएंगे, तो सुरक्षा को ठीक करेंगे, सुरक्षा से हमारे यहाँ काफी स्थितियां और भी ठीक होंगी। बिल्कुल ठीक कहा, जिस बिहार में अपराध जो है चरम पर है, कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है, विदेशी और बाहर का निवेश अभी आ नहीं रहा है, संसाधनों की कमी है, ऐसे बिहार में आप चुनाव के जरिए एक क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस चैनल के साथ जुड़े, आज कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।